सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। लाली कहाँ से आई? प्रणाम। क्या नाम है? अच्छा, हमने बुलाया था क्या? माइक ले लो, माइक ले लो। अच्छा, माइक ले लो। अच्छा, तो मीरा रोड की कथा आपने सुनी? वाह, कहाँ बैठी थी? लास्ट वाले ग्राउंड में बैठी थी मैं। नहीं, यहाँ यहाँ पर ये साइड। अच्छा, लास्ट में जो बुलाया था। हाँ, ठीक है। हमें जो भी प्रेरणा लगी हमने कलमबद्ध किया। आप प्रश्न करें बालाजी से। घर की बहुत चिंता रहती है, पढ़ाई कर रही हूँ बाहर मुंबई में, एमबीए कर रही हूँ। एमबीए? हाँ। अच्छा, बम्बई में? हाँ। अच्छा, तो थोड़ी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, घर की चिंता लगी रहती, काम बहुत काम नहीं हो पा रहे हैं पूरे, और घर की बहुत ज्यादा रहती। हमारे पिताजी थोड़े दारू पीते हैं, मतलब जी। और कोई बात? और कोई बात नहीं, जो भी काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा नजदीक आ जाए। मन स्थिर नहीं हो पा रहा पढ़ाई में, बहुत परेशान है, भक्ति बनी रहेगी, घर की चिंता है, मदरा पान पिताजी करते हैं, उपद्रव मचा देते हैं, वह कार्यों में दिक्कत बनाए हुए हैं, पूरे घर को उठा पटक कर देते हैं, उनका मूल समस्या लेकर आई हैं, सुधर जाएंगे, कार्य सफल होंगे, आशीर्वाद। बस बस, छूना नहीं मैं। एक अर्जी और आपने लगाई थी, वो भी हो जाएगी बहन। जी, उसमें आप चाहते क्या हैं? व्यापार योग ही है आपका, वो चूंकि लालची है और अपनी तरफ से वो सब कुछ हैंड करना चाहते हैं। हम आपको सिर्फ एक शब्द में यही कहेंगे, उनसे सावधान भर रहना है बस, क्योंकि तुम्हारे बड़े पापा से ज़्यादा तुम्हारी बड़ी मम्मी खतरनाक है। समझ गई बहन? अब वो एकदम डेंजर है। हमारा नाम मत बताना, खैर टीवी पे तो चला ही गया है, और इसीलिए चूंकि टीवी पे चले से कचुनिया वो तो यहीं बैठी बैठी सुन भी रही हैं, साथ ही में आई। कहाँ बैठी? हाँ ठीक है, अब कहियो, अब का है, अब तो पोल ही खुल गई, जाओ। अच्छा, हमने कछु बताओ नहीं है जो कह दियो? हमने कुछ नहीं बताया माताजी, तुम ना होइयो नाराज। कैसे बता दो भाई, तो इधर बार में बैठी हूँ, नहीं कि हमने कह दियो तो कहू नहीं। जाओ, कौन गलत कही, जाओ, खुश रहो।